हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि हीरो फाइनेंस का जो एप्लीकेशन होता है उसमें लॉगिन प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाता है उसको हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हीरो फिनक्राफ्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसमें दिखाते हैं आपको किस टाइप से लॉगिन प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन का ऑप्शन दिया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और लोन एप्लीकेशन आईडी। तो जब मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करके लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना रजिस्टर नंबर फिल कर लेता हूँ। चलिए गाइज, मैंने नंबर फिल कर लिया है। जब सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आएगा कि दी कॉन्टैक्ट इज लिंक्ड टू मल्टीपल अकाउंट। कह रहा कि आपका जो मोबाइल नंबर है कई मल्टीपल अकाउंट से लिंक है, मतलब हमारे इस नंबर पर कई लोन अकाउंट हैं जिसकी वजह से लॉगिन प्रॉब्लम दिख रहा है। तो कह रहा है आप लोन आईडी से लॉगिन करिए। तो चलिए गाइज, मैं इसको लोन आईडी से लॉगिन करूँगा। तो इस टाइप से आप में भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप वहाँ से लोन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं उससे लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस, चलिए मैं यहाँ पे लोन एप्लीकेशन आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं अपना यहाँ लोन एप्लीकेशन आईडी भर ले रहा हूँ। गाइस, मैंने अपना लोन एप्लीकेशन आईडी भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई नंबर पर क्लिक करना है। इस पर वेरीफाई करने के बाद देखिए ये वेरीफाई हो गया और नीचे लिख रहा है आपका मोबाइल नंबर, इस पर ओटीपी सेंड होगा। जिस मोबाइल नंबर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसी मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में अगर आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर फिल करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर मल्टीपल अकाउंट है तो लॉगिन नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा। गाइस, मेरे नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुका है, ओटीपी आ चुका है, मैं इसको फिल कर दे रहा हूँ। इसको फिल करने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन, तो देखिए यू हैव बीन लॉगिन सक्सेसफुली, ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ रेटिंग के लिए करा, इसको नॉट नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल देगा, आपको इसको स्किप कर देना है। तो आप देखिए इस टाइप से लॉगिन हो गए अपने लोन अकाउंट में। आपको यहाँ पर लोन का डिटेल दिया होगा तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपका अभी भी नहीं लॉगिन हो रहा है, कुछ और इशू आ रहा है लॉगिन में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका भी सलूशन आपको बताऊंगा। धन्यवाद।